Hey fam, welcome back to the 10th step. तो क्या हाल है? आगे हम फिर से ताजे ताजे मीम्स लेके 7-8 PM अपनी अटेंडेंस लगा दो सारे के सारे एंड लेट्स बिगिन एंड देखते हैं वीडियो कैसी है क्योंकि ये वीडियो है मीम हब की तो मजा आने वाला है. ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन में लेट्स बिगिन एंड देखते हैं ताजे ताजे मीम्स. शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं. निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल ना बदले. इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं. अगर किसी वस्तु व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा भी आए हैं हमारे. इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है. लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना पर ठेस पहुंचती है सो व्हाट्स अप लोग, एक नई वीडियो में तुम सभी का स्वागत है. उम्मीद करता हूं तुम सब बढ़िया होगे और अगर बढ़िया नहीं होगे तो इस वीडियो को देखने के बाद बढ़िया हो जाओगे. आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस. तो आज की वीडियो थोड़ी सी चेंज होने वाली है. मैं जो अपना पार्ट जो है बोलने वाला है वो थोड़ा सा कम करने वाला हूँ एंड क्रेडिट्स देने वाला हूँ उनके ओरिजिनल क्रिएटर को कि ये मीम कहाँ से आया है. तो अगर आप उनकी और भी वीडियोस देखना चाहते हो या वही वीडियो आप पूरी देखना चाहते हो तो आप जा सकते हो, आप उनकी वीडियो पूरी देख सकते हो. तो आज की वीडियो का सबसे पहला मीम आ रहा है हमारे स्पीडी की हरियाणा की तरफ से. खुलने पा रहे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. क्लासेस नहीं लग रही, मजा आ रहा है. और क्या, बहुत यहाँ तो रेगुलर क्लासेस लग रही है. अभी तो मैंने सोचा नहीं यहाँ बैंकिंग में जाना है. बैंक में जाए आपको? मुझे भी इसके साथ जाना है कि नासा रख ले तो अच्छी बात है. आप बताइए आपको क्या सपना है? प्ले बॉय बनना है. और सुनिए अच्छा फायदा बहुत है, पैसे मिलते हैं अलग, मिलती है अलग. तो हमारी वीडियो का अगला मीम जो है वो आता है लोग क्या कहेंगे कि यूट्यूब चैनल से. हाशमी दवा खाना मर्दाना कमजोरी का शर्ती इलाज. अब कार्ड की बना पत्ती और डाला निगाह. आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ रियल मैन, मर्द नहीं है ये. पर क्या हो भाई साहब आप पूछ रहे भाई? अरे मतलब मर्द नहीं, सांड है, सांड. थकता ही नहीं है ये आदमी. इसके साथ इंटीमेट होने के लिए मुझे वाइग्रा खाना पड़ता है, मुझे. समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एकदम से वक्त नहीं है भाई. अभी और सुनिए. लॉन्ग लास्टिंग चाहिए था. अब इतना भी लॉन्ग लास्टिंग कौन होता है भला? तो हमारा अगला मीम आ जाता है हर्ष राजपूत के यूट्यूब चैनल से. एक मिनट भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैजू मीठा है. मैजू मीठा नाम है. तो बता रहा था इंस्टाग्राम स्टार है. जी जी जी. कितना फॉलोअर है? 1.5 मिलियन फॉलोअर्स है और मेरी रील्स हमेशा ट्रेंडिंग में रहती है. अच्छा, मैं जा रहा हूं. रील्स में आप क्या बनाते हैं? डांस और डायलॉग्स पे रील बनाते हैं. डांस में कोई भी गाने पे हिलाती हूं सब बन गया ना. कोई भी गाने. नाइस. हम भी रील बनाएंगे. एको हम भी रील आपके साथ सर बनाना चाह रहे हैं. लोग पे गैंग सब वासे पूर वाला पे बनाएंगे जिसमें गोली लगता है ना, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है. हाँ. उस वाला पे बनाएंगे सर. ये फंस गया सी है. चलो एक और जीप निकालो जी. ए जीप निकालो. ठीक है रील बनाने के बहाने ऐसे मारो साले को. मजा आ जाएगा भाई. अगले मीम की बात करें तो हमारा अगला मीम आता है आरवीसीजे मीडिया के यूट्यूब चैनल से. हेलो, फोन काट दिया यार इसने. अबे ओ क्या हुआ, फिर से किसी रॉन्ग नंबर से लड़ लिया ना तू? रॉन्ग नंबर नहीं था, नैना थी. सिस्को ब्रेक कर दिया यार उसने. सिस्को मेरे भाई पे डोरा डाल रही थी. मेरा भाई सुंदर सुशील एकदम इनोसेंट सा, दुनियादारी नहीं आती यार उसको. मेरी बहनें भी ऐसे कहती हैं भाई मेरे. ऐसे करता है क्या? कौन ये लोग, कहाँ से आते हैं बताओ? अपने ही बेस्ट फ्रेंड के भाई पे डोरे डाल दिए. A few moments later. भाई अब स्मार्ट है तो क्या करें भाई, समझिएगा. अरे भाई तू राखी में तेरे पास नहीं आता क्या? ये देख, ये मेरा सुंदर सा इनोसेंट भाई. क्या क्या कर रहा है? चल सुंदर पागल, इसे इनोसेंट नहीं. हॉट कहते हैं. क्या बोला तूने? इसे इनोसेंट नहीं. ऐसे क्यों खड़ी है?
तो अगला जो मीम है उसके आपको क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे। मैंने वो बहुत जगह ढूंढा उसकी ओरिजिनल चैनल वो कहाँ पे वीडियो अपलोड करते, तो मुझे वो नहीं मिला। मैंने थर्ड पार्टी यूट्यूब चैनल से जो है अपना वो मीम उठा के बना दिया है। हेलो अंकल नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं। ये है 144p का आ जाए। अंकल नमस्ते, चलो काम। अंकल नमस्ते, चलो काम करो। इतना मेहनत पहले उड़ाती है, दो दिन मेरी लड़की पहले में कमाती है। चलो हेलो अंकल बाय। अंकल बाय, काम की बात करते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी कितने में उड़ाती है, उतने में पहले मेरी गाड़ी तेल खाती है। काय अंकल, चलो कितना भाव आ गया है रेट में हमारी। अंकल बाय, नमस्ते, काम की बात करते हैं। तो अगली मीम की बात करें तो इसके क्रेडिट्स है भाई, इसके क्रेडिट्स है। ठीक है, तो वो है पब्लिक पॉइंट यूट्यूब चैनल। सवाल ये है कि वो कौन सी जगह है जहाँ जाते 100 लोग हैं लेकिन जब वापस आते हैं तो 101 हो जाते हैं। सेट है दिमाग जगह पे है, जवाब दे। जाते हैं 100 हैं आते 101 है। 101 है ना, आसान है और ऐसा है रियलिटी है। आपके आसपास ही वो जगह है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकला। बस इतना मैंने आपको जो है हिंट दे दिया। आपका दिल मेरा दिल पहली बात, इतने लोगों की जगह नहीं है मेरे दिल में। सो जाएंगे इतना सस्ते में क्या आएगा आपको। सो जाएंगे एक लेके आएगा 101। और अगर 100 के 100 नालायक निकले फिर मैं ले जाऊंगा। तो अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट्स में जाके बता देना कि क्रेडिट देने वाला स्टाइल आपको ज्यादा बेटर लग रहा है या पुराने तरीके से, क्योंकि इसमें मैंने मतलब कम से कम पार्ट रखा है। तो प्लीज एक बार कमेंट्स में बता देना कि ऐसे कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे पुराने वीडियोस की तरह ही कंटिन्यू करना चाहिए, मतलब पुराने मतलब जिसमें मैं बोल रहा हूं वो वाले पुराने वाले। तो इसी के साथ हमारा अगला मीम जो आता है राहि, जब तुम्हें पता है लड़की है तो बेटर था। अबे डूरट बोल, तेरे को बोला था ना वो तेरा लायक नहीं है, पर नहीं अब लड़के बना के आया हुआ है। भाई जितने तूने उस लड़की पे पैसे खर्चे है ना, उतने में तो हम सारे यार दोस्त मिलके बैंकॉक की तीर्थ यात्रा पे आते। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पर नहीं तो भाई अब क्या करें, हम शादी में जाएंगे खाना खाने। उसने कार्ड पे भी यही लिखा है, सह परिवार। अब हम सारे जाएंगे सह परिवार, अब होगी बंदी की शादी। हिला डाला ना मस्ती मूर्ति बननी चाहिए। तो अगली मीम का भी कोई फिक्स सोर्स नहीं है, वो जस्ट मुझे एक थर्ड पार्टी से मिल गया था, तो बिना सोर्स के सीधे देखो। एक्सक्यूज मी सर। यस बट व्हाट वुड हैपन इफ फॉर सम रीजन वी इग्नोर समबडी अनलॉक्ड 100% ऑफ द सेरेब्रल कैपेसिटी। 100% यस तो गेम बचाना पड़ेगा। अरे नहीं है, बोला एक बार गाड़ी मारने के लिए रखी होगा, 10-10 रुपए नहीं होते आपको यार, भैया दे दो ना यार। मैंने बोल रहा है भैया भैया दे दे, 10 रुपए क्या दीजिए, 5-5 रुपए रखे हो जाए। ये प्लान है, ये फिक्स है। ये गाड़ी वाले सर के आपको फीलिंग नहीं आ रही मेरे से हॉट हॉट देखने के बाद? मुझे तो कोल्ड कोल्ड फीलिंग आ रही। कोल्ड कोल्ड पास आएंगे तो हॉट आएगी ना, पास आने की तो हॉट फीलिंग आती है, दूर से कहाँ आती है, दूर से कोल्ड कोल्ड मतलब कूल कूल फील होता है, पास आओ तो हॉट होता है। मैं तो जब भी किसी के पास गया शादी कर ली मैंने, तो आज है ना मसला नहीं है। यार कितनी ऑसम है यार। ऐसा हुआ था कि एक पुलिस वाले ने मुझे लिफ्ट दी थी, पर वो थोड़ा बहुत ना कुछ चाह रहे थे, शायद उनको फीलिंग्स आ रही होंगी, पर मेरा उस टाइम पे मूड नहीं था। क्योंकि मैं हॉट हूं ना, मैं हॉट हूं। आप क्या जानना चाहिए तो हॉट हो क्या मतलब।
क्योंकि हॉट हूँ मैं बहुत, मुझे पता मैं हॉट हूँ। अच्छा बहुत हॉट है। नाइस कॉन्फिडेंस। आदमी तो जल जाता हो। हाय जलने के बाद तो मजा आता है। तो आज की वीडियो का लास्ट में जो वो आ जाता है हमारे दिव्यांशु तिवारी भाई की तरफ से, जिनका एक इंस्टाग्राम पे पेज है, आप चाहो तो उनकी वीडियोस देख सकते हो। हमारा भी पेज है भाई, हम भी थोड़ी बहुत बना लेते हैं। ए आको लुक एट दिस। देखो भाई वैसे तो खुले में शौच करना हमारे देश के कानून और पर्यावरण दोनों के हित के खिलाफ है, लेकिन रीलर्स के अलावा एक और इंसान है जो नेशनल टेलीविजन पर अपने शो के माध्यम से खुलेआम भागा जा रहा है, हक के लिपे जा रहा है और कुछ चुटकियों से देख के ताली बजाया जा रहा है। शो का नाम है बिग बॉस और उसके रचयिता अपने भाई ये क्या माना होता कि माँ बहन कंधे पे अड़ गए यार, हमसे अपने घर का कलेश नहीं झेला जा रहा, तुम करो बिग बॉस के घर का कलेश झेलो। हम शांति प्रिय तरीके से अपना जिंदगी जीना चाह रहे, तुम करो भक्ति पे लो। अरे दुख के दरिया में हमारी जिंदगी डूब रही है, तुम साला बाहर निकालने के बजाय ये सब दिखा के और अंदर ढके ले जा रहे हो। भाई बिग बॉस एक सोनी है, चोरी की दुकान है, छुपे की पहचान है और कुछ डूबे हुए करियर वालों को झट पर नेम और फेम दिलाने की मकान है। और दिखाते क्या इस शो में साला 8-10 मुर्गों को पकड़ के आपस में लड़ाएंगे, जो जीत कर उसे इनाम देकर विजेता घोषित कर देंगे। भाई शो नहीं मदारी कहते हैं इसको, साला नेशनल टेलीविजन के गरिमा की गप मार के रख दियो यार। साला इंसान जेसीबी की खुदाई जोने भी एक घंटों देख सकता है, लेकिन बिग बॉस अरे घंटा नहीं झेल सकता, दिमाग के मेडुला का माच का 5 मिनट में। बिग बॉस बड़ा बस, अरे बिग बॉस कौन है मैं मानो, बड़ा बस जब भी आता है नियम कायदा कानून निकल जाता है, आकाशवाणी निकल जाता है, शक्ल नहीं दिखाता इंद्र लोक का राजा है, अगर नहीं तो इसकी शक्ल दिखाओ जरा, हम भी तो देखिए हाई प्रोफाइल का गांठ है। तो भाई लोग आज की वीडियो के लिए इतना ही था, अगर तुमको वीडियो भाई मजेदार वीडियो भाई मैं एक अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम्हें तुम्हारे क्रश का वास्ता नहीं मैं एक बार बोलूंगा भाई, जो बीच में जो भी मतलब कमेंट्स है ना भाई के लिए वो मतलब जस्ट फॉर द फन थे। यस प्लीज, मैं भाई को बहुत प्यार करता हूं yes. मैं ये इसलिए कह रहा हूं ताकि भाई हमारे Instagram पे आके हमारी भी कोई रील उठा के इसमें डाल दे। बट ऑन अ सीरियस नोट, ओरिजिनल इन डिस्क्रिप्शन जाके जरूर चेक आउट करो and we enjoyed it हमेशा की तरह by means से एक नंबर, and we hope आपको हमारे साथ देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, and अगर ये मज़ा आया हो तो आप भी हमें Instagram पे आ सकते हैं, हमारे Instagram पे आ सकते हैं, you know link in description, आप भी हमें Instagram पे आ सकते हैं। भाई क्या हिंदी है भाई, क्या हिंदी है भाई, कनाडा जाके हिंदी की ऐसे ऐसी कर दी भाई, हम पंजाबी सीख रहे हो कैंडी हिंदी सी। तो लास्ट थिंग यू हैव टू ग्राइंड योर शाइन, टेक केयर, बाय बाय।